वैसे आज 13 तारीख मई की और हम जा रहे हैं हरिद्वार के ट्रिप पे। और फाइनली एक न्यू ब्लॉग आ रहा है, काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था और फाइनली सुबह का टाइम है। उठ के सुबह के 3 बज रहे हैं और हरिद्वार की एक ट्रेन है, उस ट्रेन में हम जाने वाले हैं। और ये ट्रिप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, वो मैं तुम्हें पूरी वीडियो में तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे साथ। 4 बजे हम निकल गए थे घर से, इस ऑटो में हम गए थे क्योंकि सुबह की 5 बजे की ट्रेन थी, तो हम स्टेशन को 4:30 बजे तक पहुँच गए थे, आधे घंटे पहले, क्योंकि आप फिर भी थोड़ा पता लग जाता ना कि किस हिसाब से ट्रेन वगैरह आएगी। तो जाके हमें पता लगा ट्रेन लेट है और ट्रेन में काफ़ी सारे इश्यू हो गए, तो उसने रूट वगैरह चेंज किया जिस कारण ट्रेन कैंसिल होने का भी डर था। तो सुबह के 4:30 बजे भी देख सकते हो तुम स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखी थी। ट्रेन आई थी कुछ टाइम पे ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और अच्छी खासी क्राउड थी, अंधेरा हो रखा था और थोड़ा सा टाइम रह गया था सुबह होने को। और फिर हमें पता लगा कि ट्रेन एक्चुअली में 5 बजे नहीं, ट्रेन 7 बजे आने वाली है। 7 बजे करते करते उसके बाद फिर पता लगा ट्रेन और लेट होने वाली है। तो 7 बजे तक बैठने के बाद पता लगा ट्रेन 9 बजे आएगी। फिर दोबारा अनाउंस हुआ कि ट्रेन 10 बजे आएगी। फिर मैंने फ़ोन पे चेक किया तो पता लगा ट्रेन शाम के 5 बजे आएगी। और ऐसे करते करते काफ़ी लेट हो रहे थे, जिस कारण हमने 10:30 बजे की एक बस आती है हरिद्वार के लिए अम्बाला से, तो हम उस बस पे जाने वाले थे। उससे पहले हम थोड़ी देर पहले बैठे कि चेक किया कि कहीं ऐसा सच में है कि शाम के 5 बजे आएगी या ट्रेन आ जाएगी उससे पहले। तो पर फोन में काफ़ी देर देखने के बाद पता लगा कि हाँ शाम के 5 बजे ही आने वाली है ट्रेन। तो काफ़ी सुबह हो गई थी और उस टाइम पे वंदे भारत भी आ गई थी, ये वाली ट्रेन तो वैसे तुम देख चुके हो इससे पहले भी काफ़ी बार, तो उस टाइम पे मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं जिस दिन गया था उसी दिन ही वंदे भारत आ रही थी वहाँ पे। तो वंदे भारत देखने के बाद वहाँ से हम सीधा बस में बैठ गए क्योंकि बस में ही हमने जाना पड़ रहा था क्योंकि शाम के 5 बजे तक कौन वेट करता। बस में बैठने के बाद जैसे बस निकली वहां से, बस निकलने के बाद हमें पता लगता है जो हरिद्वार से आने वाली ट्रेन थी वो स्टेशन पहुंच चुकी है। ये भगवान क्या जुलूम है। और उतने देर में हम लेट हो गए क्योंकि बस चल चुकी थी, आधे रास्ते में जाकर हमें पता लगा कि वो ट्रेन आ चुकी है स्टेशन। तो फिर बस ने बीच में रास्ते में थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया, वहाँ हम रुके एक ढाबे वगैरह में और वहाँ से फिर डायरेक्ट सीधा हरिद्वार हम पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमने एक दो रूम बुक किए होटल में जाके, ठीक है, क्योंकि 9 बंदे थे जिस कारण हमें एक दो रूम की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये रूम ऐसा दिखने में तुम देख सकते हो। तो रूम एसी वाले थे और हमने 2 दिन के लिए रूम बुक कर लिए थे जो कि हमें 6,000 के पड़े। एक्चुअली रूम के प्राइस ने ज़्यादा महंगे होने का कारण ये था कि इस टाइम पे तीर्थ यात्रा जा रही थी जिस कारण रूम के प्राइस हाई थे। शाम सोने के बाद निकल पड़ा बाजार की तरफ। हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा था रात के टाइम, तो तुम देख सकते हो, देखो तुम बहुत सारे लोग घूम रहे थे इस टाइम पे। तो मैं पहुंच गया वहाँ के मेन बाज़ार में। मेन बाज़ार में जाके काफ़ी सारी चीज़ें देखी मैंने पर कुछ खरीदी नहीं भाई, क्योंकि पहला दिन था अभी जाके, बस थोड़ा फैमिली के साथ घूमा, वो लोग कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, मैंने खुद के लिए तो कुछ नहीं खरीदा और कुछ खाया पिया, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम फोटो देख सकते हो, तो मैंने कुछ नान वगैरह, शाही पनीर और दाल मखनी वगैरह मंगवाई। तो सुबह होने के बाद हम सीधा निकल गए ट्रैवलिंग के लिए, ऋषिकेश, नीलकंठ, लक्ष्मण झूला, राम झूला, इन सब जगहों पे, ठीक है। तो हम सुबह पहुंचे, वहां पहुंच के हमने देखा जो हमने 9 सीटर वाली गाड़ी मंगवाई थी उसकी जगह उन लोगों ने भेज दी 7 सीटर वाली, तो वो चेंज होके 9 सीटर वाली गाड़ी मंगवाई गई। तो हरिद्वार के ट्रिप में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था, जो भी सोचा था उसका उल्टा ही हो रहा था। और वैसे भी ये मेरे 3-4 दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में गए हैं, जो जो चीज़ें मेरे को प्यारी थी वो सारी चीज़ें मतलब दूर हो गई हैं, प्लस काफ़ी कुछ लाइफ में एकदम उथल पुथल चल रहा है, खुश नहीं हूँ बिल्कुल नहीं, मतलब तुम्हें मेरी आवाज़ अभी थोड़ा पता लग रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा हल्का डिप्रेशन में हूँ और बस ऐसा ही है अभी लाइफ में, जो है अभी कुछ बताने लायक नहीं है, मतलब क्या बताऊँ तुम लोगों को, बड़ा तकलीफ में हूँ, बस ऐसा समझ लो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो वहाँ से पहुँचते हुए हमें शिव जी की मूर्ति दिखी, प्लस हरिद्वार का घाट वगैरह में दिख गया था। तो बस 1 घंटे का रास्ता था नीलकंठ का, तो वहाँ से हम नीलकंठ पहुँच रहे थे सीधा। नीलकंठ के रास्ते पहुँचने पे हमें दिखे वहाँ पे बहुत सुंदर से फूल, ठीक है, रेड कलर के फूल थे, बिल्कुल अलग से थे फूल। और साथ में हमें दिखे बंदर मामा, वो मस्त बैठे हुए एकदम मस्त। तो मैं अभी जब फोटो खींचने लगा, बंदर मामा मस्त बाहुबली का पोज बना के बैठे हुए एकदम। तो फिर हमें दिखा एक बिल्कुल पहाड़ों से आता हुआ नेचर प्योरीफायर, जो इसको बोलते हैं हम नेचर प्योरीफायर, इतना साफ पानी, इतना साफ पानी क्या बताऊँ।
पानी भरने के बाद हम निकल पड़े और रास्ते में इतना बड़ा एक लेक मिला ही, लेक नहीं पता नहीं पहाड़ से आ रहा था पानी, इसको क्या बोलते हैं, लेक बोलेंगे शायद मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह कर रहे थे, एकदम बढ़िया सा एकदम सनसेट हो रखा था, पहाड़ ही पहाड़, हल्का सा एकदम ठंडा था बिल्कुल, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिस कारण भाई ठंड का भी पता नहीं लग रहा था। जब गाड़ी रुकी थोड़ा पता लगा कि हाँ रिलैक्सिंग सा है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, तुम देख सकते हो पहाड़ वगैरह, लोग बोटिंग कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, लोग इतना चिल्ला रहे थे ऊपर तक आवाज़ आ रही। तो नीलकंठ पहुँचने के बाद वहाँ जाके हमने आराम से थोड़ी देर पहले बैठे, नाश्ता वगैरह किया, ठीक है नाश्ता वगैरह किए, आलू के परोठे मंगाए थे, थोड़े दाल वगैरह थी साथ में, जलजीरा, ठीक है जलजीरा शरबत बोलेंगे, ये मैंने पिया था, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा था, तुम देख सकते हो बहुत एकदम टेस्टी था, काफ़ी लोग खड़े थे, काफ़ी लोग खड़े होकर पी रहे थे, अच्छा था। तो फिर हमने एक कार रेंट करी क्योंकि गर्मी बहुत थी और गर्मी में भाई चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता, तो हमने क्या किया एक कार रेंट कर ली, कुछ 15 रुपये या 20 रुपये लग रहे थे ठीक है पर बंदे के, तो उसमें करके हम सीधा मंदिर के रास्ते पहुंच गए, हम वहाँ पे मार्केट में रुके। तो मंदिर के बाहर हमने एक ली पूजा की थाली और उसमें तुम देख सकते हो ये सारी चीज़ें थी, 200 रुपये की थाली थी, 100 रुपये की और 300 रुपये 400 रुपये कुछ ऐसी थी, बहुत सारी थालियाँ थी, मैंने ये वाली थाली ली। একটু এখন তো ধরে রাখো তুমি তখন আমাকে দিয়ে দিবে, আমি ভিডিওটা করবো তাহলে। ডিএসএলআর ফেলে এমনিতেও আর ছবি অনেক ভালো। तो तुमने जो अभी पेड़ देखा था उस पेड़ में सारे पानी डाल रहे थे जिस कारण मेरे को भाई ये गिलास खोलना पड़ा, मेरे भाई ने शुक्र है कैमरा अच्छे से पकड़ लिया था। तो ये है गंगा जल, ठीक है, तो साफ पानी जो पूजा के लिए जो पानी होता है वो साफ पानी था गंगा जल का। तो सारे एक एक करके लाइन वाइज मतलब वो जो पेड़ है उस पेड़ों की जड़ों में पानी डालना पड़ता है, ठीक है, और जड़ों में डालने के बाद वहाँ थोड़े फूल वगैरह डाल के उस पेड़ की हम पूजा करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे जाके फिर शिवलिंग वगैरह भी हैं। उससे पहले हम एक पेड़ की परिक्रमा समझ लो, परिक्रमा करके जाते हैं अंदर, ठीक है। आगे पहुंचने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो शिवलिंग, ये मेन शिवलिंग नहीं है, जो मेन शिवलिंग है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसका पानी मेन शिवलिंग के चरणों तक जाता है, ठीक है, भगवान के चरणों तक, ये उसकी छवि है, उस छवि में हम पानी डालते हैं और वहाँ तक पानी जाता है। और ये भैरव बाबा का, ठीक है, यहाँ पे तुम त्रिशूल वगैरह देख सकते हो, उसके बाद आगे जाके यहाँ पे सारे लोग मन्नत वगैरह मांग रहे हैं, यहाँ पे तुम रस्सी वगैरह बांध के मन्नत मांग सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद एक और हम मंदिर गए थे अंदर, पर वहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि मना कर रखा था, ये वाला मंदिर है, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं मतलब वीडियो नहीं कर पाया, ठीक है, एंट्री कर हो गई थी मेरी, मतलब वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, प्लस उन लोगों ने मना कर रखा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने अपनी दिया वगैरह जलाया था, तुम देख सकते हो, ये देख सकते हो तुम, ये रहा मेन नीलकंठ का मंदिर, ठीक है, तो ये बाहर से ऐसा दिखता है, अभी हम अंदर से परिक्रमा वगैरह वो सब करके आया था, तो फिर मैंने बाहर से रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर है। नीलकंठ से हम पहुँचे सीधा ऋषिकेश, ऋषिकेश में जाके तुम देख सकते हो एकदम बहुत बड़ी एक हनुमान जी की मूर्ति थी, बहुत सुंदर थी,
उसके बाद हमें शिवजी के दर्शन हुए, शिवजी बिल्कुल सामने एकदम ध्यान लगा के। ओहो भाई, जब शिवजी को देखते हो ना तुम ध्यान से, अपने मन के सारे गम भूल जाते हो उस टाइम पे। उसके ही सामने था एक, मेरे ख्याल से पार्क टाइप पार्क था मेरे ख्याल से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर कैसा है पार्क। तो पार्क से निकलने के बाद सीधा हम पहुंचे वहाँ के मार्केट में। वहाँ के मार्केट में भाई बहुत तरह की दुकानें थी, खाने की, ज्वेलरी की, कपड़ों की, हर तरह की ज्वेलरी मतलब शॉप्स अवेलेबल थी वहाँ पे। तो मार्केट घूमते घूमते लग गई थी भूख, तो वहाँ पे एक सामने रेस्टोरेंट था, वहाँ मैंने जाके डोसा ऑर्डर किया, डोसा खाया भाई, मज़ा आ गया। तो खाने पीने के बाद सीधा हम पहुंचे राम झूला, ठीक है। लक्ष्मण झूला भी कुछ ऐसा ही है दिखने में, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बहुत प्यारी सी हवाएं चल रही थी, मज़ा सा आ रहा था, अच्छा सा एनवायरनमेंट था, लोग जा रहे घूम रहे थे, अच्छी खासी भीड़ थी झूले में भी, ठीक है, और साइड में पहाड़, नीचे लोग बोटिंग वगैरह कर रहे, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बहुत सुकून वाली हवाएं चल रही थी सच बोलूँ तो, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रखा था, मौसम बहुत प्यारा था उस टाइम पे। तो वहाँ से सीधा हम वापस घर की तरफ निकल गए, रात भी हो चुकी थी काफ़ी, और ड्राइवर भी बार बार फ़ोन कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ा जंगल का इलाका है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, वहाँ पे जानवर वगैरह घूमते हैं, जिस कारण हम भी जल्दी निकल पड़े। तो वापस आते हुए गंगा घाट पे रुके, वहाँ पे जाके दिया वगैरह जलाया और भगवान से दुआ करी कि जो भी परेशानियाँ चल रही हैं और जो भी तकलीफें चल रही हैं इस टाइम पे मेरे साथ, बस उन सबको ठीक कर दें। और बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में हूँ, मतलब बताऊँ तो इतनी ज़्यादा उथल पुथल के बाद, बस ये एक है, सब भगवान पे छोड़ दिया, अब जैसा है सब ठीक है, लाइफ जैसी है अभी चलानी तो पड़ेगी, जिनको फ़र्क पड़ता है पड़ता है, जिनको नहीं पड़ता नहीं पड़ता, क्या कर सकते हैं, बस ऐसा ही है ज़माना, धोखे का ज़माना है भाई कोई भरोसे के लायक नहीं है, सब भगवान पे छोड़ दो, बस भगवान ही है जो है, और माँ बाप, बाकी सब धोखेबाज है बस। तो घाट से सीधा गए हम थोड़ा खाने पीने, ठीक है, वहाँ जाके थोड़ा खाया पिया, रोटी वगैरह थी, चावल थी, दाल मखनी थी, शाही पनीर वगैरह, सलाद वगैरह थोड़ी, ये सब चीज़ें थी तुम देख सकते। तो ऐसे करके सारा दिन निकल गया आराम से, फिर रात को वापस आए होटल में सोने, और फिर कल सुबह की हमने बस पकड़नी थी, और बस वगैरह पकड़ के हमें जाना पड़ा, क्योंकि हम एक और दिन रुकते, पर रुके इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बहन के पेपर थे, जिस कारण हमें जाना पड़ गया और एक दिन के होटल का हमारा नुकसान हो गया। तो ऐसे करके बस ब्लॉग को किया एंड, और बस यही था हरिद्वार से हमारा नीलकंठ और ऋषिकेश का सफ़र, इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे को बताना कि ब्लॉग वगैरह अगर मैं करता रहूँ तो मेरे को ज़रूर बताना, अगर तुम्हें ब्लॉग में अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है ज़रूर बताना, और मेरे को ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं ये भी मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो बस इतना ही था, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, हैव फन।